तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समीक्षा ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ मस्त। तो फिलहाल आज मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही होंगी, तो आज मैं जा रही हूँ टूर पर फिर से। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के वहाँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि मम्मी लेके आई थी सामान, उसने मंगाया था कुछ, तो वही मैं देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी आयानगर अर्जनगढ़, क्योंकि वहाँ मुझे सोनू भैया, मतलब मेरे है भैया, उनके घर जाना है, उनको कुछ सामान देना है जो कि उनकी मम्मी ने मंगाया था, मतलब मेरी बुआ ने। और मेरी मम्मी थोड़ी आज अजीब सी हो रही है, क्योंकि आज मतलब इनको बुखार आ रखा है। पहले पापा जी को आया, फिर इनको आया। भल के दिखा दे, अभी भी भल के दिखा दे। तो मम्मी को थोड़ा बुखार आ रखा है, और मतलब मेरा जाने का प्लान नहीं था, पर मम्मी बोल रही है जा जा करके, इसलिए मैं जा रही हूँ। और न्यू ईयर भी है, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मेरी और मेरी मम्मी की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, नया परिवार की तरफ से। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा नया साल अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से, बट 1 जनवरी को मनाते हैं। पर कोई नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलते फटाफट, होना मेरे को लेट हो रही, क्योंकि अभी बज गया 3:30, और पता नहीं मैं कब पहुंचूंगी अर्जनगढ़ और कब मैं पहुंचूंगी चेतना के वहाँ। तो चलते हैं फटाफट। और मैंने इतना मना करा कि मैं इतना सारा सामान नहीं लेके जा रही, पर फिर भी एक टिपिकल इंडियन मॉम की तरह मम्मी ने मेरे को पकड़ा दिया झोला चिमटा कि जा और देखे आ, तेरा आज का मिशन यह है। तो मिलते हैं आपको मेट्रो में, क्योंकि मुझे लेट हो रही, फटाफट चलो। और मम्मी ये जैकेट मुझे चुपड़े से पहनाई है, बोल रही ठंड हो रही है जबकि नहीं हो रही, जबकि मैंने ये और ये पहना था सिंगल, पर मम्मी की वजह से जब पहनना पड़ रहा है। तो चलते फटाफट, मिलते हैं आपको डायरेक्ट। बाय कर दो मम्मी, बाय बाय। बाय करने की हिम्मत मिली, चलो फिर मिलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मुझे करना है चेंज कश्मीरी गेट से, और फिर यहाँ से लेनी है मुझे वायलेट लाइन। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अर्जनगढ़, और यहाँ पर आएगी भाभी। पहले तो भाभी के घर जा रही थी, पर मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, क्योंकि मुझे चेतना के वहाँ पे जाना है, तो मुझे वहाँ लेट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर मतलब भाभी का वेट कर रही हूँ। भाभी को भी 15 मिनट लगेंगे, तो करते हैं 15 मिनट वेट, और फिर भाभी को सामान देना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से ले आऊँगी अर्जनगढ़, मतलब हाँ फरीदाबाद बड़कल मोड़, और मतलब वहाँ तक मतलब और मुझे मतलब अर्जनगढ़ में मतलब इसी मेट्रो स्टेशन में मुझे मिल जाएगा भरत, क्योंकि भरत का भी शिफ्ट खत्म होने वाला है ऑफिस का, तो वो इसी रूट से जाता है। फिर उसके साथ मैं जाऊंगी आधे रास्ते तक, फिर आधे रास्ते में मुझे मिल जाएंगे जीजू और लक्की, फिर मैं उनके साथ जाऊंगी घर को। तो करते हैं फिलहाल भाभी का वेट, और फिर उनको देते हैं सामान, और फिर हम चलते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि एग्जिट ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ, तो मैंने कर ही लिया एग्जिट। तो आई होप सो कि भाभी जल्दी आ जाए। तो करते हैं वेट, उनको पता नहीं है, वीडियो बना रही हूँ। हाय नमस्ते, और कैसे हो? ठीक हूँ, मैं ऊपर देख रही हूँ। मुझे पता था आप सीधे से चले जाओगे, मैंने कल लेट हो गए, पर मैंने एग्जिट कर ही लिया। इस वाले बैग में भारी हो रहा है बहुत ज्यादा, सुबह जल्दी आती हूँ। मैं भूल, मतलब ऐसा था कि मुझे आना है, पर ये गड़बड़ी हो रही थी, कहाँ आना कहाँ नहीं आना। मेरी कमर दर्द हो गई, पता है उसको लाते लाते मम्मी ने बोला। हाँ, मैं आपको फोन करी थी, आपको फोन नंबर बिजी जा रहा था। तो ये है मेरी भाभी, शकल तो दिखाओ। अरे शकल तो दिखा, मेकअप नहीं कर रखा प्लीज, आप ऐसे अच्छा लगते हो। तो मम्मी ने आपका जो भेज रखा है वो है भाई साहब, यू ये नहीं है, ये वाला है, ये है पहाड़ी। मेरे कमर दर्द हो गई इसको लाते लाते, यही है बस भारी। अब थोड़ा बहुत हल्का लग रहा है, तो बहुत भारी हो रहा है, मैं कैसे ले जाऊंगी। 5 किलो का है वो, 5 किलो है, मम्मी ने भाट रखा है। हाँ वो तो मम्मी ने रखा है, मम्मी ने भाट रखा है और भांग रखा है, तो क्या रखा है उनके लिए होगा, उनके लिए पता नहीं। चलो मैं चलती हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है पहला आते हैं जल्दी, बाय बाय। चलो आप यहाँ पे अभी तक तो वहाँ पहुँच गए, आप आराम से लेके जाना, दम मत जाना कहीं। चलो फिर बाय बाय। वैन में आ रही थी, आते जल्दी ब्लॉग बनाऊंगी मैं उसका, आशिका ठीक है, बाय बाय बाय। तो फिलहाल अब हमको यहाँ से मतलब पहले भरत का वेट करना है, और फिर जाना है यहाँ से फरीदाबाद, और भाभी तो चली गई। टाटा, चलो।
भाई साहब वापस मुड़ रहा है। हेलो भाई, कैसे हो आप? तो यहाँ से जाएगा ये अलग और मैं अलग, तो कर देते इसको बाय। तो फाइनली मुझे अब करना है एग्जिट भड़कल मोड़ पर। थक गया भाई। अभी मैं पहुंच गई हूँ भड़कल मोड़ और मेरा भाई इतना महान बोल रहा कि पहले टूटू की आवाज़ सुना। टूटू इन द सेंस मतलब जो जब एग्जिट होता है ना, मतलब निकलते हैं मेट्रो से, तो मुझसे बोले कि मैं तभी आऊँगा, तो मुझे हर टाइम मतलब वेट कराती है। तो मैं उसको आवाज़ सुनाई, भाई देख आ रही आवाज़, आ जा, तब जाके वो आया। क्योंकि मतलब यहाँ से पास ही है, दो मिनट का रास्ता, दो भी नहीं पाँच मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा तू आ ही जा, तो मुझे लग रहा है मेरे नीचे उतरना तो आ ही जाएगा वो ही। और मेरी मम्मी ने मुझे एक, और ये तो हल्की सी पतली सी है और ये भी पतली सी है, बोले रही ठंड लगेगी पहन के जा, चलते हैं। और मेरी पीठ अपनी दर्द कर। तो ये यहाँ पर मेरे से पहले पहुँच गया, किससे बात कर रहे हैं तू? फ्रेंड से। तो पहले पहुँच गया था और अब हम जा रहे हैं घर को, मोमोज खिला रहे हैं। चल बन जा प्लीज, चल चल। हेलो, सुंदर सुंदर हो गई हो। मैं सुंदर ही थी पर मोटे हो गए हो। तुसी मोटे मोटे कोई नहीं, वो जाओगे पतले जिम जाकर। ठीक है बंदर। कितने दिनों पतले हो गए वैसे? दो ही दिन और का है, पर मुझे आप अभी भी मोटे ही लग रहे हो। ओ मेरा पता कितना वेट था, 4 किलो कम हो गया जिम जाकर दो दिन में ही। नहीं शक्ल दिखाइए इधर। और इधर ही आती चिप्स खा रही है। किसके लिए मिल रहे और ये शेख? यार ये फायदा होता है एक बहन का शादी होने के बाद, और हम बहुत टाइम बाद मिल रहे। कितने टाइम बाद मिल रहे हम? मतलब हो गए मेरा महीने। और यहाँ पर इसने मेले बना रखा है चाप मेरी आने की खुशी में। और अंदर है, कहाँ गई वो अंदर? हाय, ये निकाल रहा अभी। भाई तुम्हारी सेटिंग चेंज होती रहती है क्या? फिलहाल अभी मैं पहुंच गई चेता के घर पर और जीजू गए हैं बाहर। और अभी जीजू ने लक्की को बुलाया तो लक्की भी गया बाहर, और आंटी जी है अंदर, वो कर रही सिलाई। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद जब जीजू आ जाएंगे। वो मिलने कुछ लेने गए हैं। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। जीजू हेलो, बेस्टी हाय भी नहीं बोल रहे हैं। हेलो तो बोलो चाचेदान। अभी आएगी हाँ नीचे। बाय बाय। मेरे लिए स्पेशल खातिरदारी। तेरे लिए नहीं, सबके लिए। मतलब मेरे हो गया खली बेस्ती। लकी भाई आजा, आजा भाई। भाई हाथ धो गई मुट्टू। इसको इनको देखो ले। मतो जुड़ गया कैसे ये बंधन, ये
ये है तुम दोनों को शेक हो गई। हाँ तो गिलास तो लेके आओ। एक हाथ में कोक लेकर हाथ में तो अभी यहाँ पर बन गया हमारा शेक और ये शेक जो कि बनाया है चेतना कौर ने। थैंक यू सो मच। हट जा यार। खाने के बाद शेक कौन पीता है? पीना है, पियो नहीं पीना मत पियो। नहीं हम पी लेंगे, इतना कष्ट मत करो। किसमें सबसे ज्यादा ओरियो बिस्किट ये ले मैं लूंगी। बाप रे गिलास इतनी बड़ी। चलो खा लो ये। चलो इतना ठंडा। हाँ तो ठंडा भी। हमारा हो गया डिनर जो कि चेतन ने बनाया था। पहले हमने बर्गर खाए, उसके बाद हमने करा डिनर जो कि चेतन ने बनाए थे चाप। और भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होते, बहुत ज़्यादा। मुझे तो नमक ज़्यादा लग रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं नमक कम खाती हूँ। और यहाँ पर हमारा हो गया है तैयार ओरियो शेक। जब मेरे हाथ में मेरे मजे हो जाते हैं पर अब चेतन मुझे यहाँ पर दो तीन दिन रुकने के लिए बोल रही है, पर मैं नहीं रुकूंगी। बोल रही मेरे लिए, बोल रही मेरा काम करेगी। देख रहे हो तुम ये कितना जो काम होगा। खाली खाना तो बनाना होता है इसे। मैंने स्ट्रॉ में आएगा भी कुछ। हाँ तो थोड़ा बहुत तो आएगा जो भी आएगा। चलो हेलो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉम एंड जेरी, और वहाँ पर वो लगा अपना केले, और यहाँ है ये। हाय यू लड़की।